आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय मामले के बारे में बताएंगे। ये उस आदमी के बारे में है जो कभी नहीं सोता है। हाँ, आपने इसे सही सुना, वो कभी नहीं सोता है। अब हम नहीं जानते कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, लेकिन अधिक जानने के लिए देखते रहिए। एसेक्स रबर फैक्ट्री में नीचे ईविंग में 512 मई एवेन्यू में एक झोपड़ी थी। यदि आप देर रात उस झोपड़ी के सामने से गुजर रहे थे तो हमेशा एक तेज रोशनी दिखाई देती थी, और यदि आप उस खिड़की की तक जाते और अंदर देखते तो आपको सामान दिखाई देता। वहाँ कोई बिस्तर नहीं था, बस एक ड्रेसर और एक छोटा स्टोव और कुछ कुर्सियाँ थी। वो हमेशा अकेले अपनी कुर्सी पर बैठा दिखाई देता था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और उसने चोंगा और एक इंजीनियरिंग की टोपी पहनी हुई थी। वो एक अखबार पढ़ रहा था और जैसे ही रात होती वो पेपर सेट करता और दूसरों को उठाता। इस तरह वो पूरा दिन गुजारता था। जब सुबह होती तो आदमी अपनी कुर्सी से उठकर काम पर चला जाता था। उस व्यक्ति का नाम अल्बर्ट हर्पिन था। वो पूरी दुनिया में उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जो कभी नहीं सोया था। अगर हर्पिन ने दावे पर विश्वास किया जाए तो वो सुपर ह्यूमन होगा। वास्तव में बायोलॉजिस्ट को अभी तक एक भी जानवर नहीं मिला है जो किसी ना किसी रूप में सोता नहीं है। नींद ने किसी विकास संबंधी नुकसानों के कारण, ये इस कारण से है कि यह आवश्यक कार्य करता है। यदि पूरी तरह से जैविक कार्यों को नहीं समझा जाता और इसके बिना बहुत लंबे समय तक चलना असंभव होता, फिर भी हर्पिन ने ऐसा करने का दावा किया। कुछ बिंदु पर उनके जीवन के जाहिर तौर पर बदतर के लिए मोड़ ले लिया था, और बाद के लेखों में उन्हें एक बेड में शेड के साथ एक राम शक्ल शेड में रहने के रूप में वर्णित किया। ट्रेटर ने काम करने के लिए बहुत सुबह उठने से पहले पूरी रात समाचार पत्र पढ़ना, जहां वो अजीब था नौकरियां और एक सड़क स्वीपर था। अन्य लेखों का दावा था कि हर्पिन डॉक्टरों की एक टीम द्वारा देखा गया था, जिन्होंने देखा कि वो 7 दिन तक सीधे जागते रहे और थकान की कमी के कारण वो चकरा गए। ट्विटर टाइम्स के एक लेख के अनुसार न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रकाशन जोसेफ डॉक्टरों की टीम को 1890 के दशक में एक बिंदु पर पर्यवेक्षण हर्पिन के पास भेजा था और अवलोकन के एक सप्ताह के बाद कुछ भी सीखने के लिए असमर्थ थे। कुछ टाइम के बाद उनकी जिंदगी ने एक अलग मोड़ लिया। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स उनको एक अलग तरीके से दिखा रहे थे कि वे एक बेचारे इंसान हैं जिनके पास न बेड है और न ही कुछ। वो अकेले रहते हैं और एक मुश्किलों से भरी जिंदगी जीते हैं। अन्य लेखों का दावा था कि हर्पिन डॉक्टरों की एक टीम द्वारा देखा गया था, जिन्होंने एक सप्ताह तक उन्हें सीधे जागते हुए देखा और थकान की कमी के कारण वो चकरा भी गए थे। वो कम से कम एक हफ्ते तक जागता रहा। वैज्ञानिकों की जांच के तहत जागते रहने वाले एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए वर्तमान विश्व रिकॉर्ड रेडी गार्नर्ड का है, जो कि 1964 में 17 इयर्स के थे। एक विज्ञान मेला परियोजना के लिए 11 दिनों तक वो जागे रहे थे। वैज्ञानिकों ने बुरे प्रभावों पर दस्तावेजीकरण किया, जो सामान्य लोग नींद के बारे में बिना जाने पर सहते हैं। 18 घंटे जागने के बाद कई लोग नशे में होने के समान बिगड़ा हुआ प्रतिक्रिया समय का अनुभव करते हैं। 36 घंटे के बाद मस्तिष्क नई यादों की क्षमता खोना शुरू कर देता है। कुछ लोग मनोवैज्ञानिक कृति समान भ्रम या फिर लक्षण या फिर अनुकूल करने लगते हैं। कुछ बिंदु पर दिमाग कुछ समय के लिए अपने दम पर सो जाएगा, भले ही विश्व क्या करने की कोशिश कर रहा है। माइक्रोस्क्लेलेप की घटना कुछ कई घंटों के लिए दोषी ठहराया गया था। वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि बहुत से लोग सोते हुए सोच सकते हैं कि वो जाग रहे हैं। विरोधाभासी अनिद्रा में पीड़ित लोग अनिद्रा की शिकायत करेंगे, जो पूरी रात अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानते होंगे, लेकिन जब उनके मस्तिष्क की तरंगों का अध्ययन किया जाता है तो वो बिल्कुल सो जाते हैं। स्लीप स्टेट क्या बोलते हैं उसको, मिस पेरिस्पेशन हर्पिन को आग्रह के लिए संभावित स्पष्टीकरण है, जो कि वर्षों से सो ही नहीं रहा था। 1974 में फ्रांसीसी नींद वैज्ञानिक मिशेल जोवेट ने मॉर्वन की सिंड्रोम नामक एक दुर्लभ स्थिति में पीड़ित व्यक्ति का अध्ययन किया। जोवेट ने देखा कि 27 वर्षीय व्यक्ति 4 ठोस महीनों के लिए जाग रहा था। वो कभी नहीं सोया, लेकिन हर रात 20 मिनट के लिए विशद भ्रम या फिर अनुभव करता था।
इस अध्ययन से जॉवेट उस उल्लेखनीय निष्कर्ष पर पहुंचे कि नींद के बिना जाने के दौरान लोगों को अनुभव करने वाले अधिकांश विकार नींद की कमी का परिणाम होते थे, लेकिन शरीर की नींद प्रणाली उन्हें बेहोश करने के लिए मजबूर करने का परिणाम करती थी। जॉवेट के अनुसार इस मामले में वैज्ञानिक आम सहमति को भंग कर दिया था। नींद एक महत्वपूर्ण कार्य है। हरपिन लगभग 50 वर्षों के लिए लोकल स्टार था। 1904 में यानी कि 1904 में जब समाचार पत्रों ने पहली बार 1947 में उनकी मृत्यु की एक ट्रेटन स्लीपलेस वंडर पर रिपोर्ट किया था। ये सबसे रहस्यमय चिकित्सा मामलों में से एक है। आपको क्या लगता है, ये सच है? आप कब तक बिना सोए रह सकते हैं? कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपना और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें।